सो गाइस, जैसे कि मैंने पार्ट वन में बताया था कि जहाँ से इन्होंने एक्सटेंशन करवाया था उन्होंने वहां से गलत एक्सटेंशन लगाए थे, जो कि आपकी एक्सटेंशन रिंग के अंदर होनी चाहिए, उनकी रिंग के बाहर थी। मेरे पार्ट वन में आप देख सकते हो। अब आपको मैं दिखाती हूँ, हमारे यहाँ से इन्होंने एक्सटेंशन लगाया है, आप देख सकते हो ये एक्सटेंशन बिल्कुल एक लाइन में है गाइज, और ये स्टैंड रिंग के अंदर है। आप देख सकते हो ये रिंग के अंदर होना चाहिए तभी आपका ये बिल्कुल ठीक चलेगा। अगर ये स्टैंड रिंग के बाहर होगा गाइस तो बाल अटकेंगे, आपको वॉशिंग में प्रॉब्लम होगी, आपको धोने में प्रॉब्लम आएगी, आपको कॉम करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर ये ऐसे ही गाइस आप देख सकते हो बिल्कुल लाइन से एक्सटेंशन लगाए हैं हमने, और ये बिल्कुल अब कंफर्टेबल है। आप चाहे इसको पुल कर लो, आप चाहे इसको कितना भी खींच लो, ये नीचे नहीं आएगा गाइस। ये सिर्फ तब आएगा जब आपका रिफिलिंग का 4 मंथ्स के बाद टाइम होगा। आप देख सकते हो हमने इनको बिल्कुल इक्वल लेंथ लगाया। कभी भी एक्सटेंशन लगवाओ गाइस इस बात का ध्यान दो कि आपका स्टैंड रिंग के अंदर होना चाहिए, रिंग के बाहर नहीं होना चाहिए, तभी वो कॉम करने में या वॉश करने में अटकते हैं। थैंक यू।